शुक्र मना रही है अपने शिव भगवान का। अपुण्य आत्माओं, आप विचार करना, हम पहले जब हम लोक वेद के आधार से पूजाएं किया करते थे, श्री विष्णु जी मेरा इस दास का इष्ट था और हनुमान जी भी पैरेलल देव था, श्याम बाबा श्याम जी भी, भगवान शंकर जी भी, लेकिन इष्ट विष्णु और कृष्ण जी में हमारी विशेष लगाव था, चाह थी। और जो भी घर में कोई सुख होता था, जैसे शिक्षा ग्रहण करी, जब उत्तीर्ण होते थे भगवान विष्णु जी का शुक्र मनाया करते, श्री कृष्ण जी का कि इन्होंने हमें पास कर दिया। और फिर बाबा हनुमान याद आ जाते, बाबा हनुमान ने दया कर दी। बाबा श्याम जी याद आ जाते, बाबा साहब श्याम जी ने मौज मचा दी। हम इनको क्रेडिट दिया करते थे, पुत्र प्राप्ति हुई खुशी मनाई और भगवान कृष्ण जी विष्णु जी की सौ सौ शुक्र मनाए, हमें पुत्र मिल गया, इन्होंने दे दिया। अब इन भगवानों की समर्थता का जब हमें ज्ञान हुआ तत्व ज्ञान से, अब पता चला कि ये कुछ नहीं दे सकते, ना ये ले सकते, ना ये लाभ दे सकते, ना ये हानि कर सकते, क्योंकि हानि तो ये करें नहीं, देवता हैं, लाभ ये दे नहीं सकते क्योंकि ये इनका सामर्थ्य नहीं, ये तो केवल वर्क डन दे सकते हैं, वे नियमित कार्य ही कर सकते हैं, ये भगवान नहीं है। अपुण्य आत्मा, यही समस्या हमारे सामने आती है, हम कहें साची अर्जंता ठावा लाठी। अब जैसे अब इधर मध्य प्रदेश में अपने भक्त ये बेटी और भाई गए हुए थे, वहाँ छिंदवाड़ा एक शहर है, डिस्ट्रिक्ट है, ये तो अब की घटना है, कतीता जी 24 तारीख की, और वहाँ इससे बात तो बिदक गए कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बतावें, मारो मारो, गाड़ी भी फोड़ दी, भक्तों को बहुत बुरी तरह तंग किया और जेल भिजवा दिया, वहाँ की सरकार ने भी उनका सेव दे दिया, झूठा केस बना कर मान वो बना दिया भाई, भावनाओं को ठेस पहुँचाना। अरे भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा रहे, हम तो सच ही बता रहे हैं। अब जैसे इस दास ने ये शब्द बोला है कि ब्रह्मा विष्णु ये भगवान नहीं है, शिव जी भगवान नहीं है, अब यहाँ थोड़ा सा प्रमाण देना पड़ेगा, नहीं तो अब कुनीन गले उतरे गोनी, पवित्र हिंदू समाज के। अब आपको दिखाते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु को इनका पिता काल कहता है। ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई, थोड़ा सा आपको हिंट देंगे। अब ये प्रसंग यहाँ इसलिए बीच में लाना पड़ेगा क्योंकि जो पुत्र की प्राप्ति हुई नीरू और नीमा को, अब नीमा और नीरू शुक्र मना रही क्योंकि वो भगत थे शिव जी के, नीमा क्रेडिट दे रही है कि मेरे शिव जी भगवान ने हमें बालक दे दिया, लेकिन उन वो परमात्मा कबीर जी के पिछले जन्म जन्मांतर के हंस थे, उनकी किसी जन्म में वो कोई वो साधना की हुई थी जिस कारण से वो परमात्मा ही स्वयं उनको पुत्र रूप में प्राप्त हुआ, वो कितनी अच्छी आत्मा होगी अंदाजा लगाओ। तो ऐसे हम जिनको भगवान मानकर ये सोचा करते थे, इन्होंने हमें सुख दे दिया, वो हमारा प्रारब्ध ही था। और कर्ता देता है पूर्ण परमात्मा, यदि कोई एक्स्ट्रा भी देना होता है तो पूर्ण परमेश्वर कबीर देव जी ही देते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ नहीं कर सकते, ना घटा सकते ना बढ़ा सकते। थोड़ा सा हिंट देते हैं, एक समय ब्रह्मा और विष्णु जी में युद्ध हो गया, किस बात पर? ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सारी सृष्टि का उत्पन्न करने वाला हूँ, प्रजापिता हूँ, और विष्णु भी की उत्पत्ति भी मेरे से हुई है, और विष्णु जी कहते हैं कि मैं सबका पालक हूँ, ब्रह्मा जी मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा बेटा है।
अब ऐसी गलत फहमी इनका कैसे होगी ब्रह्मा जी और विष्णु जी का? जैसे ये काल है जो ब्रह्म है, सर्वपुरुष जिसे कहते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा इनकी माता है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के समक्ष अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आऊँगा, वास्तविक रूप में। तो ये क्या करता है, जैसे वेदों के पढ़ने वाले ऋषि महर्षियों ने परमात्मा पाने के लिए ओम नाम जाप किया और हठ योग समाधि लगाने की चेष्टा की, तो समाधि के अंदर किसी को इसने ब्रह्मा रूप में दर्शन दे दिए, अपने पुत्र ब्रह्मा के रूप में। एक समय ब्रह्मा और विष्णु जी में युद्ध हो गया, किस बात पर? ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सारी सृष्टि का उत्पन्न करने वाला हूँ, प्रजापिता हूँ, और विष्णु भी, उसकी उत्पत्ति भी मेरे से हुई है, और विष्णु जी कहते हैं कि मैं सबका पालक हूँ, ब्रह्मा जी मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा बेटा है। अब ऐसी गलत फहमी इनका कैसे होगी ब्रह्मा जी और विष्णु जी का? जैसे ये काल है जो ब्रह्म है, सर्वपुरुष जिसे कहते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा इनकी माता है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के समक्ष अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आऊँगा, वास्तविक रूप में। तो ये क्या करता है, जैसे वेदों के पढ़ने वाले ऋषि महर्षियों ने परमात्मा पाने के लिए ओम नाम जाप किया और हठ योग समाधि लगाने की चेष्टा की, तो समाधि के अंदर किसी को इसने ब्रह्मा रूप में दर्शन दे दिए, अपने पुत्र ब्रह्मा के रूप में, और किसी को, तो उसने जिसको ब्रह्मा के रूप में दर्शन दिए तो उसने सब जगह ढंढोरा पीट दिया कि ये जो ब्रह्मा हमारे सामने बैठे हैं, ब्रह्मा जी, ये रजगुण ब्रह्मा जी, ये पूर्ण परमात्मा है, ये सबके पालक हैं, यही सबके प्रजापिता हैं, ऐसे ऐसे, और ये अपने आप को छुपाए हुए हैं। एक ने, दो ने, दस ने, बीस ने, पचास ने, सौ ने, ऐसे ब्रह्मा जी को कह दिया। फिर किसी को इसने दर्शन दे दिए विष्णु जी के रूप में, तो उन ऋषियों ने डंडोरा पीट दिया कि पूर्ण परमात्मा श्री विष्णु जी हैं, जो ये सतोगुण है, ये काल के पुत्र हैं। ऐसे ही 150-200 ने विष्णु जी के बारे में कह दिया कि मैंने समाधि लाई और विष्णु जी, इनके मैंने साक्षात दर्शन किए, ये छुपाए बैठे। अब इन दोनों भगवाना के गलतफहमी होगी, ब्रह्मा और विष्णु के, ब्रह्मा जी के उन ऋषियों के कहने से नुमनवागी कि मैं सारी सृष्टि का रचयिता हूँ, इसी तरह विष्णु जी का आगे। एक दिन ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास, वो शेष नाग की सैया पर लेटे हुए थे, लक्ष्मी जी पास बैठी थी, अन्य उनके अंग रक्षक भी वहीं खड़े थे, पारखत थे। अब ब्रह्मा जी जब वहाँ पहुँचे, विष्णु जी ने उनका सत्कार नहीं किया। ब्रह्मा जी कहने लगे, ओ बेटा, देख तेरा बाप आया है, तू मुझ आए हुए अपने पिता का आदर नहीं करता, तेरा दिमाग खराब हो गया है, यो ठीक करना चाहिए। अब विष्णु कहता कि आजा बेटा, तू मेरा पुत्र है, मेरी नाभि कमल से तेरी उत्पत्ति हुई है, तू मेरा पुत्र है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सारी सृष्टि का रचनहार हूँ और तेरी उत्पत्ति भी मेरे से हुई है, मैं तेरा बाप हूँ। अब दोनों का गुट बज गया, वो कह मैं तेरा बाप, विष्णु कह मैं तेरा बाप, ब्रह्मा कह मैं तेरा बाप। पुण्यात्माओं, जिनको हम भगवान समझ कर पूजा करते थे, इनके विचार, इनके कर्म, इनके कर्तव्य एक चौथी कक्षा के बच्चे के बराबर की बुद्धि है, तीसरी चौथी कक्षा के बच्चे लड़ा करें। टीचर उनसे पूछता, किस बात का झगड़ा है तुम्हारा?
एक कहता जी यो नो बोला मैं तेरा बाप, वो कहता नहीं जी पहले इसने कहा कि मैं तेरा बाप, और दोनों कुर्ता पड़वा रखा है, खूब एक दूसरे को कूट रखा। इसे थे हमारे भगवान जी नाम समर्थ मान रहे थे, ऐसी इनकी बुद्धि थी। ये देखिएगा, दास नहीं कह रहा, इनका इतिहास कह रहा है। देखिएगा शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग एक, ये है श्री शिव महापुराण विद्या अवृद्धि पंडित जवाहरलाल प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई। ये ऐसे ऐसे ये देखिए शिव पुराण 11 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता भाग एक अध्याय 6 में यहाँ से शुरू होता है। नंदीकेश्वर बोले, जो शिव जी का वाहन कहलाता है, नंदीकेश्वर बोले हे योगिंदर, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गुरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, लेटे हुए थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ, देखिए इनकी अकल, ब्रह्मा को ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ बतावे, ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए, सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे। तुम कौन हो, ब्रह्म ज्ञानी ने नहीं पता यू कौन है, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो। हे वत्स, हे पुत्र, उठो देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूँ, मालिक आया हूँ, तेरा पिता आया हूँ। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तो छो उठा, गुस्सा हो गया, पर ऊपर नहीं दिखाया, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले हे वत्स, हे बेटा, विष्णु जी बोले ब्रह्मा जी को फिर, हे वत्स, हे पुत्र, तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारे नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों हो गया हो रहा है, यानी तू नाराज क्यों हो रहा है, टेढ़ा मुंह कर रहा, लड़ना हो रहा। ब्रह्मा जी बोले हे वत्स विष्णु, हे पुत्र बेटा, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु जी बोले यह तो सब जगत मुझ में स्थित है और तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो। तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदीकेश्वर बोले इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुक्त होकर विवाद करने लगे। आज देखियो आगे कमाल कर दिया, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। आगे देखो, और तब संपूर्ण देवता, ये तो लठ बजान लग गए, युद्ध शुरू कर दिया, और तब संपूर्ण देवता विमानों में बैठकर उस महाअद्भुत युद्ध देखने को चले और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं, भले आदमियों, इन हमारे देवताओं ने पूछा कोई, यदि दो भाइयों का, दो व्यक्तियों का झगड़ा हो रहा हो, उनका बीच बचाव कराया करे, उन पर फूल बरसाया करे, घर ले लो, कर दो काम, मर कटो, जैसे पहले गांव में ना इन पशुओं ने लड़ाया करते, दो भैंसों को गुड़ाते थे, लड़ाते थे, बिड़ाते थे, तो उनको किलकी मारा करते, हूँ हाँ देखिए यू मारेगा टक्कर,
और वो बिठा के छोड़ दिया करते उन्हें बुरी तरह इसी का।